अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक तरफ भारत में घुसपैठ के जरिए पहुंची सीमा हैदर की गुत्थी अभी सुलझी नहीं, अभी भी उलझी हुई सी लग रही है, और उधर सुरक्षा एजेंसियां अभी भी उनके दावों की जांच कर रही है। इस बीच भारत की एक महिला पाकिस्तान पहुंच गई है और उनके बारे में अलग अलग कहानियां बयां की जा रही हैं। पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की पुलिस के दावे कुछ और हैं और उस महिला के दावे कुछ और हैं। ये महिला है अलवर की अंजू, जो 21 जुलाई को पाकिस्तान में दाखिल हुई और इसकी जानकारी उनके पति को दी, वो भी दो दिन बाद हुई, तो उनके होश उड़ गए। राजस्थान के अलवर की अंजू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ऊपरी दीर इलाके में पहुंच गई है। अब अंजू के पाकिस्तान जाने की वजहों पर अलग अलग दावे हो रहे हैं, जबकि इस बीच अंजू का परिवार और खास तौर पर उनके पति बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। उन्हें जब पहली बार अपनी पत्नी के पाकिस्तान में होने की खबर लगी तो वो घबरा गए थे। ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ, हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है। मेरे को कल शाम को पता चला है, फोन आया था वीडियो कॉलिंग वॉइस कॉलिंग उस पर, उन्होंने बताया कि मैं लाहौर हूँ। मैं सबको बता दिया हूँ, मम्मी पापा को, फेवा को, ब्लेसिंग को, सब। मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्यों गई है, कैसे गई है, ये नहीं मेरे को पता। कैसे वीज़ा अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, कैसे वेरिफिकेशन हुआ, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं। इस बीच अरविंद के घर पुलिस पहुंच गई। अंजू के पाकिस्तान जाने की खबर ने पुलिस से लेकर खुफिया एजेंसियों तक में खलबली मचा दी और अरविंद के घर पर उनसे पूछताछ होने लगी। अंजू के रिश्तेदारों से भी एजेंसियां बात करने लगी और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की गई। तभी अंजू ने अपनी बेटी को फोन कर बताया कि वो पाकिस्तान में ठीक है और दो तीन दिन में वापस आ जाएंगी। अंजू पाकिस्तान चली गई है लीगल पासपोर्ट के साथ। अब पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद उसके पति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कब उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी मिली। अरविंद जी, कब ये जानकारी मिली और पूरा का मामला क्या रहा? कल शाम को मेरे को जानकारी मिली लाहौर का, उससे पहले तो जयपुर का ही पता था मेरे को, जयपुर गई। तो अभी क्या उम्मीद है आप लोग? जब वो कैरी आने की तो उम्मीद है। क्या आप प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से कि अंजू को लाने के लिए सरकार भी कुछ कदम उठाए, वहाँ सरकार अगर प्रयास करती तो जल्दी लाने में मदद मिल सके? हाँ, मिलने चाहिए। अगर इगलर कलर से गई है, मानो बिना पासपोर्ट वीजा के से गई है, किसी टूर से गई है, तो वो उसके लिए कार्रवाई कर सके। अगर वीजा लेके गई है तो आप सरकार को कहूँगा सपोर्ट करनी चाहिए। मैं गुहार लगा रहा हूँ प्रधानमंत्री से, जल्द से लाना चाहिए, उधर से सरकार से बात करने के लिए। भले ही अंजू ने आश्वासन दे दिया, लेकिन अंजू के घरवाले अभी भी परेशान थे, क्योंकि पुलिस की जांच में पता चला कि अंजू दो तीन साल से फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान में एक आदमी के संपर्क में थी जिसका नाम नरुल्ला है। जबकि अंजू ने अपने परिवार वालों से कहा था कि वो अमृतसर घूमने जा रही हैं, लेकिन 21 जुलाई को वो अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान चली गई। इसका भी एक वीडियो सामने आया। हालांकि पुलिस के मुताबिक उन्हें कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली। अंजू नाम की कोई लड़की है जो भिवारी में रहती थी और वो पाकिस्तान चली गई है, तो इसमें हमने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया उससे ये पता लगा जो ये जो लड़की है ये टेकनपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली है और इसका शादी अरविंद नामक व्यक्ति से हुआ है। 2007 में से ये भिवारी में रह रही है और जो पाकिस्तान बेस्ड लड़का है उससे ये 3-4 साल से कॉन्टेक्ट में थी, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू, और ये थर्सडे को अपने घर वाले को बता के गई है जो अमृतसर घूमने के लिए जा रही है और ये 21 तारीख को क्रॉसओवर कर गई पाकिस्तान में। अंजू पाकिस्तान में अपने दोस्त से मिलने गई या प्यार के खातिर सीमा पार कर गई और वो वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, इस बारे में अभी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से वीडियो संदेश जारी कर अंजू ने भरोसा दिया है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, वो जल्द ही भारत वापस आ जाएंगी। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई दो दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस दो तीन दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। ये सवाल अभी बाकी है
लेकिन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी दीर में पहुंची अलवर की अंजू पर वहां की पुलिस ने बयान जारी किया है और कहा है कि अंजू ने पूछताछ में उन्हें बताया है कि भारत में उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया है और पाकिस्तान में अपने प्यार के खातिर पहुंची हैं। हालांकि पाकिस्तान पुलिस के इन दावों पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूज 18 से बात करते हुए अंजू ने जो सच बताया वो कुछ और है।